हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम 2016 के कुछ रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए हाईली इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स में लेवल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, क्वेश्चन का थोड़ा बहुत डिफरेंस आप मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन को, और इस वीडियो क्लास में मैंने क्लोज टेस्ट लिए हैं, ठीक है। तो ये क्लोज टेस्ट एसएससी स्टेनो एग्जाम में पूछे गए हैं 2016 में, इनको हम देखते हैं और इनकी मदद से डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाउ ओल्ड इज़ द अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है वो कितनी ओल्ड है, ये इस टॉपिक का मेन टाइटल है। इसमें अर्थ के बारे में बात हो रही है। हाउ ओल्ड इज़ द अर्थ, दिस इज़ अ टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट। ये क्या चीज़ है कि काफ़ी सारे लोग डिस्कस करते हैं कि अर्थ कितनी पुरानी है, तो साइंटिस्ट का अलग ओपिनियन है, दूसरे लोगों का अलग ओपिनियन है। तो दिस इज ए, ये क्या है? तो इसमें ऑप्शन में दिए हैं पॉइंट है, क्वेश्चन है, डिबेट है, फैक्ट है। एक्चुअली ये डिबेट है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस रहते हैं इसमें, और अलग अलग लोग अपने अपने ओपिनियंस के बारे में फिर डिस्कस करते हैं, एक डिबेट होती है, ठीक है। तो ये एक डिबेट है, ये क्वेश्चन ना होके ये एक डिबेट है, काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो डिबेट होती है। तो दिस इज ए डिबेट टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट। अब यहां पर दिया है रीजन, लॉजिक, आंसर, डिडक्शन। तो सही क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा ऐसी डिबेट है जो चलती रहती है, और इस क्वेश्चन का हमें सही आंसर नहीं मिल पाता, क्योंकि क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए यहां पर सही जो वर्ड होगा वो होगा आंसर। यहां पर हाउ ओल्ड इज द अर्थ, दिस इज अ डिबेट टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर। मैनी मैन हैज मार्वल्ड, थॉट, आस्क्ड, वंडर्ड। एक व्यक्ति ने, एक मैन को इसमें है, एक जनरल सेंस में हम ले रहे हैं कि मानव जाति ने हमेशा वंडर किया है, आश्चर्य किया है। इसमें वंडर ही सही वर्ड होगा, ठीक है। मैन हैज वंडर्ड अबाउट द एज ऑफ द अर्थ सिंस टाइम्स। कब से वंडर किया है, कब से आश्चर्य किया है? सिंस, इसमें सही जो वर्ड होगा वो होगा एंशियंट टाइम्स, क्योंकि एंटीक्वेटेड नहीं आएगा। एंटीक्वेटेड एक्चुअली जो फिजिकल चीजें होती हैं, सामान के लिए हम यूज करते हैं एंटीक चीजें जो होती हैं। बायगोन का मतलब होता है गुजरा हुआ समय, लेकिन गुजरा हुआ यहां पर एक्चुअली पुराने समय की बात हो रही है, गुजरे हुए समय की नहीं। गुजरा हुआ समय तो एक साल पुराना समय भी गुजरा हुआ समय माना जाएगा। तो सही जो वर्ड होगा एंशियंट टाइम्स होगा यहां पर, ठीक है। एंशियंट टाइम्स एंड देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ मिथ्स। मिथ्स क्या होता है? मिथ्स होता है एक किंवदंती, ठीक है। मिथ्स एंड दैट सीम टू हैव द आंसर। और मिथ एक किंवदंती होता है, उसी तरीके से लेजेंड भी एक किंवदंती होता है। मतलब ये हो सकता है सही ना हो, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं किंवदंती। तो मिथ का इक्विवेलेंट जो वर्ड है वो है लेजेंड। टेल एक कहानी होती है, फेबल एक छोटी कहानी होती है, स्टोरी कहानी होती है। तो ये किंवदंती है, लेजेंड यहां पर मिथ का इक्विवेलेंट वर्ड है, इसलिए लेजेंड यहां पर सही होगा। दैट सीम टू हैव द आंसर व्हेन इट वाज प्रूवन दैट द अर्थ अराउंड द सन। देखिए पास्ट का ही वर्ड आएगा इसमें, क्योंकि यहां पर हम बोल रहे हैं व्हेन इट वाज प्रूवन। तो सही वर्ड क्या होगा? देखिए अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है। रोटेट का मतलब होता है अपने एक्सिस पर लगातार घूमना, और रिवॉल्व का मतलब होता है किसी चीज के चारों तरफ घूमना। तो ये दोनों ही चीजें अर्थ करती है, रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को मिला के जो सही वर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए ऑर्बिट। लेकिन ऑर्बिट वर्ड इसमें दिया नहीं है। सर्कल मतलब चारों तरफ घूमना, इसलिए यहां पर हम मूव यहां पर सही होगा, क्योंकि रोटेट और रिवॉल्व दोनों ही वो करती है, इसलिए ऑर्बिट इसमें है नहीं। और सर्किल से ज़्यादा, सर्किल हम एक्चुअली थोड़ा सा अर्थ के सेंस में हम सर्किल वर्ड उतना यूजफुल नहीं है, उतना रिलेवेंट नहीं है। मूव्ड यहाँ पर सही है, मूव्ड के बाद फिर अराउंड भी लगा है इसमें, मूव्ड अराउंड द सन। तो यहाँ पर हम रिवॉल्व या रोटेट ना लगाते हुए मूव्ड लगाएंगे, ठीक है। मूव्ड अराउंड द सन, और यहाँ पर क्या आएगा? Then knew where to begin. When it was proven that the earth moved around the sun, scientists then knew where to begin. जब जब ये बात प्रूव हो गई कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, तो साइंटिस्ट
को एक आइडिया लगा कि अब इसकी हम खोज कर सकते हैं और अब इसके बारे में आगे फर्दर हम डिस्कवरी या जो भी अलग अलग चीज़ें हैं वो हम इसमें कर सकते हैं, साइंटिस्ट के बारे में अलग अलग खोजें हैं। तो साइंटिस्ट देन न्यू वेयर टू बिगिन। यहाँ पर साइंटिस्ट, देखिए स्कॉलर दिया है, एकेडमिशियन दिया है, स्टूडेंट दिया है। स्कॉलर मतलब जिसको काफ़ी नॉलेज है, स्कॉलर वर्ड नहीं आएगा। एकेडमिशियन जो एकेडमिक्स में पढ़ रहा है, स्टूडेंट नहीं आएगा। इसमें सही वर्ड साइंटिस्ट ही होगा, ठीक है। टू फाइंड द, अब एट्थ में क्या आएगा, टू फाइंड द ऑफ द अर्थ। क्योंकि यहां पर हमने हाउ ओल्ड की बात की है कि अर्थ कितनी पुरानी है या अर्थ की एज कितनी है। जैसे हम जब बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, तुम्हारी एज कितनी है, तो ओल्ड का मतलब होता है वो एज, ओल्ड रिलेटेड होती है एज से। तो यहां पर एज ही सही ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। ऑफ द अर्थ इट वॉज नेसेसरी टू हाउ द सोलर सिस्टम वॉज, दे न्यू वेयर टू बिगिन टू फाइंड द एज ऑफ द अर्थ। हाउ टू, इट वॉज नेसेसरी टू टेल मतलब बताना, नरेट मतलब डिस्क्राइब करना, रिकाउंट मतलब याद करना, एक्सप्लेन, यहां पर एक्सप्लेन वर्ड सही होगा क्योंकि आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिकाउंट मतलब किसी चीज को याद करना, नरेट, नरेट एक्चुअली स्टोरी के सेंस में यूजफुल वर्ड होता है। टेल, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कोई चीज बताता है तो टेल वर्ड वहां पर आता है, तो यहां पर एक्सप्लेन वर्ड सही होगा। इट वॉज नेसेसरी टू एक्सप्लेन हाउ द सोलर सिस्टम वॉज, यहां पर क्या आएगा, यहां पर सही वर्ड होगा बॉर्न, क्योंकि ओरिजिनेट का मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी चीज का निकलना, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से तो सोलर सिस्टम निकला नहीं है। फॉर्म, ये केमिस्ट्री में यूज होता है, जैसे केमिस्ट्री की जो फॉर्मेशन होती हैं, बिगन मतलब शुरू होना, लेकिन सोलर सिस्टम एक्चुअली क्रिएट हुआ है या बॉर्न हुआ है, तो बॉर्न यहां पर सही वर्ड होगा। तो इस तरीके के क्लोज टेस्ट आपके एसएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये मॉडरेट लेवल के होते हैं, ना तो बहुत ज्यादा सरल होते हैं ना बहुत ज्यादा कठिन होते हैं। यहां पर एक दूसरा क्लोज टेस्ट है, इसको देखते हैं। वन थिंग वी कैन डू इज अ गुड बुक। गुड बुक का संबंध किससे है? गुड बुक का संबंध रीडिंग से है, तो यहां पर आ जाएगा रीडिंग। वन थिंग वी कैन डू इज रीड अ गुड बुक, ठीक है। अनदर इज टू लुक एट ए न्यू, अनदर इज टू लुक एट ए न्यू कंडक्टेड बाय विलियम मर्सर, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेस कंसल्टेंसीज। देखिए कंसल्टेंसीज का मेंशन है इसमें। कंसल्टेंसीज क्या करती हैं? सर्वे का काम करती हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि हम एक अच्छी किताब पढ़ें, और दूसरा तरीका ये है कि विलियम मर्सर ने जो सर्वे किया है उसको हम देखें। अनदर इज टू लुक एट ए न्यू, न्यू के बाद यहां पर नाउन ही आ सकती है, तो यहां पर सर्वे वर्ड सही होगा, ठीक है। सर्वे, सर्वे कंडक्टेड बाय विलियम मर्सर, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टेंसीज। मर्सर डिसाइडेड टू, मर्सर ने क्या किया अपने सर्वे में, डिसाइडेड टू सम ऑफ द वर्ल्ड ग्रेट सिटीज। देखिए जब आप सर्वे करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हम इवेल्युएट करते हैं, और इवेल्युएट का इक्विवेलेंट जो वर्ड है वो हो सकता है असेसमेंट, हो सकता है जज, हो सकता है। तो असेसमेंट तो दिया नहीं है इसमें, जज इसमें हम लगाएंगे, ठीक है। मर्सर ने डिसाइड किया कि वो कुछ वर्ल्ड की जो ग्रेट सिटीज हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, उनको वो इवेल्युएट करेगा कि कहाँ पर, कहाँ कौन सी जगह रहने लायक है, कौन सी जगह रहने लायक नहीं है, कौन सी हेल्थ के हिसाब से अच्छी है, इस तरीके से। दे प्रोड्यूस्ड देयर रिजल्ट्स, मर्सर ने अपने रिजल्ट्स को प्रोड्यूस किया बाय गिविंग। एक्चुअली सर्वे में मार्किंग सिस्टम होता है कि ठीक है, कोई बहुत अच्छा है तो उसको 5 नंबर दे दिए, बिल्कुल खराब है तो उसको 1 नंबर दे दिया, तो मार्क ही सही होगा यहां पर। बाय गिविंग मार्क्स फॉर वेरियस क्राइटेरिया, क्राइटेरिया प्लूरल है इसलिए वेरियस आएगा, कई तरह के क्राइटेरिया, ठीक है। डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग, लेकिन वेरियस यहां पर सही है क्योंकि कई तरह के क्राइटेरिया की हम बात यहां पर कर रहे हैं। फॉर वेरियस क्राइटेरिया, वेरियस का मतलब मैनी भी होता है एक्चुअली, मैनी क्राइटेरिया, ठीक है, कई सारे क्राइटेरिया के लिए उन्होंने मार्क्स दिए अलग अलग सिटीज को। दीज इंक्लूडेड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरमेंट, इनके लिए मार्क्स दिए गए। जब सर्वे हुआ
तो इनके लिए मार्क्स दिए गए, जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, यदि बहुत अच्छा है तो 5 नंबर, बहुत बेकार है तो 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, बिल्कुल ही बेकार है तो फिर 1 नंबर। हेल्थ केयर कैसी है, यदि सबसे अच्छी है तो 5 नंबर, सबसे बेकार है तो 1 नंबर। एजुकेशन कैसी है, सबसे अच्छी है तो 5 नंबर, अदरवाइज 2 नंबर या 1 नंबर, बेकार है तो ये सारे पैरामीटर्स पर सर्वे में इन सभी को मार्क्स दिए गए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये वेरियस वर्ड आया है, क्योंकि वेरियस का मतलब होता है मैनी। दीज इंक्लूडेड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, प्रोविजन, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, एंड ट्रांसपोर्ट, एंड ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट के साथ क्या वर्ड आएगा, ट्रांसपोर्ट के साथ हम फैसिलिटी वर्ड ही लगा सकते हैं, कि वहां पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज कैसी हैं, आने जाने का के साधन कैसे हैं, ठीक है। सो विच आर द बेस्ट सिटीज टू लिव इन, एंड विच शुड बी एक्चुअली ये विच शुड बी नहीं है, ये है विच शुड बी, ये वी है, WEV है, ठीक है, WEV है। तो यहां पर आएगा हमें कौन सी सिटी में रहना चाहिए, और ये सर्वे हुआ तो उसमें से निकल के आया कि बेस्ट सिटी कौन सी है जहां पे हमें रहना चाहिए, और ऐसी कौन सी सिटी है जिनको हमको अवॉइड करना चाहिए। तो अवॉइड वर्ड सही होगा, ठीक है। तो अवॉइड क्यों लगा रहे हैं यहां पर, देखिए रिग्रेट का मतलब तो पश्चाताप करना होता है, तो रिग्रेट का तो कोई सेंस नहीं बनेगा। डिनाय मतलब मना करना, एस्केप मतलब कहीं से भाग जाना, तो अवॉइड ही यहां पर सही होगा, जिनको हमको, जिन सिटीज को हमें अवॉइड करना है उसकी इसमें बात हो रही है। अब इसमें क्या है आगे, इन फर्स्ट प्लेस 8 नंबर में क्या आएगा, देखिए जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपटीशन होता है तो उसमें दो लोगों को फर्स्ट प्राइज दिया जाता है कंबाइंड तरीके से, ठीक है। तो यहां पर वही एक्चुअली उसी सेंस में बात हो रही है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं इन जॉइंट फर्स्ट प्लेस, कंबाइंड फर्स्ट प्लेस, जॉइंट वर्ड आ जाएगा यहां पर। इन जॉइंट फर्स्ट प्लेस वर वैंकूवर, फर्स्ट प्लेस पे ये सिटी आई, वैंकूवर बर्न स्विट्जरलैंड में है, वियना ऑस्ट्रिया में है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, वाइल्ड सिडनी, जिनेवा, ऑकलैंड एंड कॉपनहेगन केम इन सेकेंड। यानी ये सिटी फर्स्ट नंबर पर आई, वैंकूवर, बर्न, वियना, ज्यूरिख और ऑकलैंड, कॉपनहेगन, ये सेकेंड नंबर पर आई। स्विस सिटीज, अब स्विस सिटीज के बारे में क्या आएगा, स्विस सिटीज मतलब स्विट्जरलैंड की जो सिटीज हैं, 3 ऑफ द टॉप 10 प्लेसेस, मतलब टॉप 10 प्लेसेस में थर्ड नंबर पर स्विस सिटीज आई। तो थर्ड प्लेस स्विस सिटीज ने क्या किया, ऑक्यूपाई किया, ऑक्यूपाई वर्ड आएगा यहाँ पर, कंट्रोल्ड नहीं आएगा। एब्जॉर्ब का मतलब तो किसी चीज को एब्जॉर्ब करना होता है, वैकेट का मतलब खाली करना होता है, तो ये तीनों वर्ड तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। स्विस सिटीज ऑक्यूपाइड 3 ऑफ द टॉप 10 प्लेसेस, मेकिंग इट सिंगल मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री ऑफ ऑल दोज। स्विस सिटीज ऑक्यूपाइड 3 ऑफ द टॉप 10 प्लेसेस, मतलब स्विस सिटीज ने, मतलब 3 स्विस सिटी टॉप पे आई, ठीक है। स्विस सिटी ऑक्यूपाई 3 ऑफ द टॉप 10 प्लेसेस, जो टॉप 10 सिटीज थी उसमें से तीनों सिटी टॉप की जो थी वो स्विट्जरलैंड की थी, ये इसका मतलब है। तो इसीलिए इसमें आगे बोला जा रहा है कि मेकिंग इट सिंगल मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री ऑफ ऑल दोज सर्वेड, जिन कंट्रीज का सर्वे हुआ उसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो कंट्री आई, ठीक है, वो स्विट्जरलैंड आई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्विट्जरलैंड की 3 कंट्रीज 10 में से टॉप 3 में आई। तो सारी कंट्री जो सर्वे किया गया, ऑफ ऑल दो सर्वेड, यहां पर आएगा सर्वेड, क्योंकि इन कंट्रीज का सर्वे किया गया, ऑल दो सर्वेड जिनका सर्वे किया गया, उसमें से स्विट्जरलैंड की 3 सिटीज सबसे टॉप पे आई, मतलब स्विट्जरलैंड जो कंट्री है वो सबसे टॉप पर आई। तो इस तरीके से इनको करना होता है, प्रैक्टिस से आप इसमें काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्लोज टेस्ट बहुत ज्यादा टफ नहीं आते जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में होता है। SSC में मॉडरेट लेवल के क्लोज टेस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये जो क्लोज टेस्ट को करने की आपकी आपकी जो स्किल है, आपकी जो नैक है, ये रीडिंग से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकती है। इसलिए रीडिंग करें ज्यादा से ज्यादा, ये जरूरी नहीं है कि हिंदू पढ़ें या इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ें, चंपक पढ़ें, NCERT बुक्स पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, स्टोरी बुक्स पढ़ें, वहां से भी आपकी ये रीडिंग हैबिट आपकी काफी अच्छी डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, कोई भी फीडबैक आप देना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप दे सकते हैं। इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।